वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इन विच आई टोल्ड यू व्हाट इज एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट को हमने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मेटल्स क्या होते हैं और मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए कि मेटल क्या होता है और मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है बच्चे, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर टाइप ऑफ व्हाट? एलिमेंट्स। मेटल एलिमेंट्स का एक टाइप है। हमने पिछले सेशन में एलिमेंट्स पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये सब क्या हैं? सब एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। अब जो हमारी पीरियोडिक टेबल है बच्चा, उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट हैं 118। जो पीरियोडिक टेबल है जिसको हम 10th क्लास में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये 118 एलिमेंट्स शुरू से हैं, जब से पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हुई है तब से ही इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में एंशियंट टाइम में सिर्फ 31 to 32 ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। कितने हुए थे? सिर्फ 31 to 32। लेकिन धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और ये पहुंच गए 118 तक। तो अभी रिसेंटली टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं 118। अब इनको क्लासिफाई किया गया, 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई किसने किया? क्लासिफाई किया लेवोशियर नाम के एक साइंटिस्ट ने। किसने क्लासिफाई किया बच्चे? लेवोशियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको क्लासिफाई किया। कितने पार्ट में क्लासिफाई किया हम पढ़ चुके हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जिसमें से 93 के लगभग कितने हैं? मेटल्स हैं। लगभग 93 मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं। 18 क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं एंड 7 मेटलॉइड्स हैं। 7 क्या हैं बच्चे? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स में से लगभग 93 मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं एंड 7 मेटलॉइड्स हैं। तो लेवोशियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब ये जो मेटल है, ये वर्ड कहां से आया? तो ये मेटल वर्ड आया एक ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड कौन सा है बच्चे? मेटलॉन। मेटलॉन, मेटलॉन का मतलब होता है माइन आउट। मेटलॉन का मतलब क्या है? माइन आउट। माइन आउट का मतलब होता है कि माइंस से निकालना, माइंस से खोद के निकालना। अगर हम किसी चीज को माइंस से निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम उसको माइन आउट कर रहे हैं। तो जो मेटल्स हैं वह है कहाँ पाए जाते हैं? वह माइंस में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और उनको खोद के निकाला जाता है। जो मेटल्स हैं उनको खोद के, माइंस से खोद के बाहर निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेटल। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स हैं वह कहीं भी पाए जा सकते हैं, एयर में, एटमॉस्फेयर में, कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जो मेटल्स हैं उनको माइन आउट करके निकाला जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए इसका नाम मेटल पड़ा। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू मेटल्स के बारे में। तो चलिए अब हम थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। मेटल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स दैट आर ऑफन हार्ड, शाइनी, इफेक्टिव हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स। जो मेटल्स हैं वह क्या हैं? नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं जिसको अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं,
हीट इफेक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जनरली मेटल्स हैव सिल्वर एंड ग्रे कलर एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर। गोल्ड और कॉपर को छोड़ के जो मेटल्स का कलर है वह जनरली या तो सिल्वर कलर का होंगे या फिर वो ग्रे कलर के होंगे। सिर्फ गोल्ड और कॉपर का कलर अलग होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड आइटम्स लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल। ये सब क्या हैं? सारे के सारे मेटल्स हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, सारे के सारे मेटल्स हैं। इनको माइन आउट करके अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है। चलिए अब यहाँ पर है ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो जो लेफ्ट में है, लेफ्ट टू सेंटर, लेफ्ट से लेके जो सेंटर तक हैं, ये हैं हमारे क्या मेटल्स। ये सब क्या हैं बच्चे? सारे के सारे मेटल्स हैं। अब ये जो जिगजैग लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है ना, ये क्या है? दैट आर मेटलॉइड्स। ये हैं बच्चे मेटलॉइड्स, जैसे कि बोरोन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं। और इधर साइड में हैं, अपने राइट साइड में होते हैं अपने क्या? नॉन मेटल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। जो हीलियम है वह क्या है? वह एक नॉन मेटल है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो हाइड्रोजन है वह नॉन मेटल्स होते हुए भी उसको मेटल्स में एक्सट्रीम लेफ्ट में रखा गया है। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था पीरियोडिक टेबल का। चलिए आगे देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। मेन जो मेटल्स का जो मेन पार्ट है वह है इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वह कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि मेटल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबिलिटी शो करते हैं। मैलिएबल को हम याद रख सकते हैं मारने से। मारना मतलब जैसे कि हमारे पास में कोई मेटल है और उसने उसको हमने हैमर्ड किया, हैमर्ड मतलब हथौड़े से हमने उसको पीटना स्टार्ट किया, तो होगा क्या? वह एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इस तरह की एक थिन सीट बन जाएगी। जब हम स्टोन को हैमर्ड करते हैं तो स्टोन क्या करेगा? स्टोन बिखर जाएगा, क्योंकि स्टोन ब्रिटल होता है, वह बिखर जाएगा। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वह बिखरते नहीं हैं, वह थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा एल्युमिनियम फॉइल, जो एल्युमिनियम फॉइल होती है वह किसकी बनी होती है? एल्युमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम क्या है? एक मेटल है। तो उसकी जो सीट होती है आपने देखा होगा वो कितनी पतली होती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा पतली थिन सीट में जो मेटल्स हैं वह कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल कैन बी हैमर्ड इन टू थिन सीट्स, इट मीन्स दे पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। तो जो मेटल्स हैं जब हम उसको हैमर्ड करते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो उनकी एक थिन सीट बन जाती है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। सम मेटल्स आर मोर मैलिएबल देन अदर्स, कुछ मेटल्स ज़्यादा मैलिएबल होते हैं और कुछ कम मैलिएबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी मैलिएबिलिटी सेम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है। जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन ऐसे मेटल्स हैं जो हाईली मैलिएबल हैं, लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल है, यानी कि जो गोल्ड है उसकी जब हम थिन सीट बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसकी पतली परत या पतली सीट उसकी बन सकती है। निकल इज़ द लीस्ट मैलिएबल, और जो निकल है वह लीस्ट मैलिएबल है। सोडियम एंड पोटेशियम भी लो मैलिएबिलिटी शो करते हैं, इतनी ज़्यादा कम इनकी मैलिएबिलिटी होती है कि इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। लेकिन जो गोल्ड है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो हाई मैलिएबिलिटी शो करते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है, तो गोल्ड है, और लीस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है बच्चे? निकल है। ठीक है, तो ये होता है मैलिएबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैलिएबिलिटी क्या होती है।
नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी लगभग सेम है। मैलेबिलिटी में हम क्या कर रहे थे, मैलेबिलिटी में हम हैमर्ड कर रहे थे, हम हथौड़े से पीट रहे थे उसको और उसको थिन सीट में कन्वर्ट कर रहे थे। डक्टिलिटी में हमको क्या करना है, ड्रॉन करना है। जैसे कि हमारे पास में कोई मेटल है और उसको हम ड्रॉन करेंगे तो क्या होगा, वह एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थिन वायर में कन्वर्ट करना, दैट इज डक्टिलिटी। और जो मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो मेटल है वह डक्टाइल है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, इट मीन्स मेटल्स कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर्स। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं उनको खींच के हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, प्लेटिनम, ये सब कैसे हैं, ये हाईली डक्टाइल मेटल्स हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल है हमारा गोल्ड। गोल्ड कैसा है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कितना डक्टाइल है कि इसके 1 ग्राम गोल्ड से हम अप्रॉक्स 1 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबा वायर सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से बन सकता है। तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वह किसकी होती है, वह होती है बच्चे कॉपर की। अब हम गोल्ड की वायरिंग तो कर नहीं सकते, ठीक है, मेक सेंस। तो घरों में वायरिंग किसकी की जाती है बच्चे, कॉपर की वायरिंग की जाती है। तो जो मेटल है उनको स्ट्रेच करके हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाईली डक्टाइल मेटल क्या है हमारा, गोल्ड है। एंड लीस्ट डक्टाइल मेटल क्या होगा, लीस्ट डक्टाइल मेटल क्या हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों होगा, क्योंकि जब हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं तो जब हम इसको खींचेंगे, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये तो टूट जाएगा, है ना। तो लो डक्टिलिटी शो करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, एंड हाईली डक्टाइल इज गोल्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि डक्टाइल क्या होता है। नेक्स्ट इज थर्मल एंड हीट कंडक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो मेटल्स हैं वह थर्मल एंड हीट को कंडक्ट करते हैं। थर्मल एंड हीट को कंडक्ट कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई स्टील की रॉड है, ठीक है। स्टील क्या है, स्टील इज अ मेटल। तो स्टील की रॉड को जब आपने एक साइड से आपने पकड़ रखा है और दूसरे साइड से आप उसको गर्म कर रहे हो, ठीक है, एक साइड से आपने उसको हैंड से अपने से पकड़ रखा है और दूसरी साइड से आप उसको गर्म कर रहे हो, तो थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे कि जो हीट है वह आपके हाथ तक पहुंच जाती है। तो हीट आपके हाथ तक कैसे पहुंची, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वह हीट कंडक्टिविटी शो करते हैं। अगर आप एक साइड पे गर्म कर रहे हो तो आपका पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। तो ये तो होती है हमारी हीट कंडक्टिविटी। एंड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वह कॉपर की जाती है, क्योंकि कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्ट करता है। ठीक है बच्चे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मोस्ट मेटल्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर मेटल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, मेटल्स के, जो थर्मल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन करना। लस्ट्रस का मतलब क्या है बच्चे, शाइन करना। तो जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, उनमें चमक होती है। मेटल्स आर लस्ट्रस विच मीन्स दे हैव शाइनी अपीयरेंस। आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और ये शाइन करते हैं। करते हैं कि नहीं करते, द मोस्ट लस्ट्रस मेटल इज रोडियम। जो रोडियम होता है वह मोस्ट लस्ट्रस होता है, वह बहुत ज़्यादा लस्ट्रस शो करता है, बहुत ज़्यादा शाइन होता है। इसीलिए तो जो हमारे ट्रक्स वगैरह होते हैं या फिर जो हमारे रोड्स होते हैं उन पे रोडियम की पट्टी लगाई जाती है। रोडियम की पट्टी क्यों लगाई जाती है, क्योंकि जैसे ही उन पर लाइट पड़ती है वह बहुत ज़्यादा शाइन करता है, जिससे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो।
या फिर कोई बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं तो उन पे भी क्या होता है, रोडियम की पट्टी लगा दी जाती है। हमारे जो ट्रक्स होते हैं उन पे भी रोडियम की पट्टी लगी होती है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही रोडियम पे थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है वह शाइन करने लगता है। तो इसीलिए रोड्स पर रोडियम लगाया जाता है। सोडियम इज अ मेटल दैट इज नॉन लस्ट्रस एज इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो सोडियम है वह है नॉन लस्ट्रस है, सोडियम में कोई भी साइन नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी मतलब मास पर वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी हो जाएगी हमारी ज्यादा। ठीक है बच्चे, तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। जो मेटल्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। पानी में क्यों डूब जाते हैं, क्योंकि जो पानी है उसकी डेंसिटी कम है लेकिन जो मेटल है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है पानी से वह पानी में डूब जाती है। लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम है वह ऐसे मेटल्स हैं जो पानी में डूबते नहीं हैं, वह पानी में तैरते रहते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से और सोडियम और पोटेशियम की जो डेंसिटी है वह कम होने की वजह से क्या होता है कि वह पानी में तैरते रहते हैं, वह पानी में नहीं डूबते हैं। तो फिर जो सोडियम और पोटेशियम हैं वह ऐसे मेटल्स हैं अगर हम उनको खुले में छोड़ देंगे तो वह रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अगर हमने उसको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया तो वो रिएक्ट करते हैं, तो फिर उनको कैसे रखा जाता है, उनको रखा जाता है बच्चे केरोसिन में। उनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में उनको रखा जाता है। किसको, सोडियम एंड पोटेशियम को, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटी कम होने की वजह से उनको केरोसिन में रखा जाता है। लेकिन जो लिथियम होता है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, जो लिथियम है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। इसलिए लिथियम को हम केरोसिन में भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम उसको केरोसिन में रखेंगे तो वह उसमें भी तैरने लगेगा। तो फिर लिथियम को कहाँ रखा जाता है बच्चे, लिथियम को रखा जाता है वैक्स के अंदर। लिथियम को वैक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, एंड सोडियम एंड पोटेशियम को हम रखते हैं केरोसिन ऑयल में, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है। मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो डेंसिटीज। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स की जो डेंसिटी है वह ज़्यादा होती है। लिथियम की लीस्ट डेंसिटी होती है, जो लिथियम है वह भी एक मेटल है लेकिन लीस्ट डेंसिटी शो करता है, इसलिए उसको हम वैक्स के अंदर रखते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस एंड सोनोरिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। अब साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे कि मैं इस स्क्रीन को बजा रही हूँ ये भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मैं इस टेबल को बजा रही हूँ तो ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रही है। साउंड प्रोड्यूस करना इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। कैसी साउंड प्रोड्यूस करना बच्चे, रिंगिंग साउंड। जैसे कि हम मंदिर की घंटी बजाते हैं तो कैसी साउंड निकलती है, एक रिंगिंग साउंड निकलती है। जैसे कि गिटार के वायर को जब हम खींच के छोड़ देते हैं तो कैसी साउंड आती है, एक रिंगिंग साउंड आती है। तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो मेटल्स हैं, वह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स आर हार्ड एंड सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस। ये क्या करते हैं, सोनोरस हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस व्हेन वी स्ट्राइक देम, जब हम उनको स्ट्राइक करते हैं दे मेक अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स आर हार्ड, ये हार्ड नेचर के होते हैं, कठोर होते हैं। इट मींस दे कैन नॉट बी कट ईजिली, इसको इसलिए हम इनको ईजिली कट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम, जैसा मैंने आपको बताया था, ये हार्ड नहीं होते हैं, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो मेटल्स हार्डनेस एंड सोनोरिटी शो करते हैं।
ठीक है। तो ये थी बच्चे मेटल्स की प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबिलिटी शो करते हैं, डक्टाइल होते हैं, हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, हार्ड होते हैं, सोनोरस होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।